Hi there everyone, welcome back to my channel guys. I hope you all are doing really really well. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग से कंसीलर हैक्स विच आर लिटरली गोइंग टू एलिवेट योर मेकअप गेम. आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ट्रस्ट मी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है इफ यू आर अ मेकअप लवर लाइक मी. सो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए एंड लेट्स गेट टू लैंड. ओके सो आई हैव प्राइम्ड माई फेस रियली रियली नाइसली. सो मैंने जो यहाँ पे प्राइमर यूज किया है वो है स्विस ब्यूटी का मैटिफाइंग मेकअप प्राइमर. इट्स एन अमेजिंग प्राइमर एंड वर्क्स लाइक वंडर्स ऑन माई स्किन. मेकअप को बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी बना देता है और पोर्स को लिटरली ब्लर आउट कर देता है. नाउ देयर इज अ ट्रिक विच आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम सम टाइम और जो मेरे लिए बहुत अमेजिंग वर्क कर रही है इज टू यूज अ सेटिंग स्प्रे बिफोर डूइंग योर मेकअप. आप एक सिंगल लेयर लगा सकते हो जिसकी वजह से आपका मेकअप जो है ना वो और भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस स्विस ब्यूटी मैट मेकअप फिक्सर. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्प्रे सम प्रोडक्ट ऑल ओवर योर फेस. तो ये जो है आपके मेकअप को और भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना देगा. यू जस्ट हैव टू लेट द प्रोडक्ट एयर ड्राई. आपको बिल्कुल भी इसको डैब वगैरह कुछ भी नहीं करना है. Whenever we do our makeup, सबसे ज्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम होती है ना वो यही आती है कि या तो मेकअप के बाद उनका अंडर आई या जो पिगमेंटेशन एरिया होता है वो बहुत ज्यादा ग्रे लगने लग जाता है. दैट्स बिकॉज यू आर नॉट कलर करेक्टिंग योर फेस प्रॉपरली या फिर आप अपना शेड यूज नहीं कर रहे हो. या फिर जो सेकंड प्रॉब्लम आती है कि जब हम कलर करेक्टर यूज कर लेते हैं तो जो हमारा बेस है वो बहुत ज्यादा ऑरेंजी लगने लग जाता है इवन आफ्टर अप्लाइंग द फाउंडेशन. हाउ टू करेक्ट दैट, किस तरीके से आपको करना है कि आपका फेस जो है उस पर कलर करेक्शन भी हो जाए और आपका फेस ऑरेंज बिल्कुल भी ना लगे. तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये ऑन द मूव कंसीलर पैलेट विच हैज एन अमेजिंग ऑरेंज करेक्टर. व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज टेक योर ऑरेंज करेक्टर, जस्ट अप्लाई इट हियर. जो आपका हाफ ऑफ द आईलिड से पहले का पार्ट होता है ना आपको सिर्फ वहां पर थोड़ा सा प्रोडक्ट इस तरीके से एप्लीकेशन कर देना है जस्ट लाइक दिस. डू नॉट अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट और आपको इसको अपनी पूरी की पूरी अंडर आईज पर भी नहीं लगाना है. फॉर एग्जाम्पल हियर, देन अराउंड योर माउथ जस्ट लाइक दिस. And the concealer I am going to use today is like literally my all-time favorite, which is the Swiss Beauty Liquid Concealer. You guys know it, I love this concealer so much. मेरा जिसमें shade है वो है 02, that is Sand Sable. I love using this each and every time और मैं हर किसी को recommend भी करती हूँ because it has an amazing coverage, it has like such a good blendability और एक बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको एक कंसीलर मिल जाता है. तो अपना ऑरेंज करेक्टर लगाने के बाद आपको कंसीलर की एप्लीकेशन करनी है सिर्फ यहाँ पे. डू नॉट अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, सिर्फ उतना उतना लगाना है आपको जितना आपने करेक्टर यहाँ पे यूज कर रखा है. सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट आउट एंड देन जस्ट ब्लेंड आउट योर कंसीलर. क्लियरली टेक अ लुक किस तरीके से जो डार्क सर्कल्स है वो कम्प्लीटली हाइड हो गए हैं बट एट द सेम टाइम जो आपका ऑरेंज करेक्टर है वो बिल्कुल भी अंडर आइज में विजिबल नहीं हो रहा है आफ्टर कलर करेक्टिंग योर फेस. सो फॉर द नेक्स्ट हैक वी आर गोइंग टू ट्राई द फेस लिफ्टिंग टेक्निक थ्रू अ कंसीलर. आपको पिक्चर जो है वो यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगी. दिस इज हाउ पीपल आर यूजिंग द कंसीलर नाउ अडेज टू गिव लाइक अ लिफ्टिंग इफेक्ट टू देयर फेस. सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. ऑल यू नीड टू डू इज आपको यहां से जाना है इधर जस्ट लाइक दिस and then drag your concealer all over here, here and then here. यहां से आपको जाना है यहाँ पे so that आपके फेस पे एक lifting सा effect आ पाए. So this is how you are supposed to do your concealer. Okay, so we are going to now blend this out. तो मैं क्या करने वाली हूँ ना, जहां पे मैंने कंसीलर की एप्लीकेशन करी है मैं इसको वहीं पे ही ब्लेंड करूंगी, कहीं और नहीं लेके जाऊंगी. To see how it actually lifts up your face. So this is what we are going to do. I mean you can take a look at that, how my face is looking super snatched just by applying a concealer in a different way. I feel it's pretty obvious कि ये वाला जो एरिया वो स्नैच्ड इसलिए लग रहा है बिकॉज वी हैव नॉट अप्लाइड एनीथिंग और ये हमारा बेसिक एरिया होता है जहाँ पे हम ब्लश और कॉन्टोर करते हैं. दैट इज द रीजन कि हमारा कंसीलर जो है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है एंड यू कैन टोटली टेक अ लुक एट दैट कवरेज गाइज. इट्स लिटरली मेरे फेस पे एक भी सिंगल स्पॉट भी इस टाइम पे विजिबल नहीं हो रहा है. सो टाइम फॉर थर्ड हैक. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लिक्विड ब्लश जो है ना उसकी एप्लीकेशन करने का मन करता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो हमारा लिक्विड ब्लश खत्म हो जाता है या फिर हमारे पास होता नहीं है. उसके लिए लेट मी शेयर एन अमेजिंग अमेजिंग हैक विद यू ऑल. अब हर किसी के घर पे और कुछ होना हो बट एक रेड लिपस्टिक तो डेफिनेटली होती है. मेरे पास भी है. दिस इज द स्विस ब्यूटी माई शाइन लिपस्टिक और मेरा जो इसमें शेड है वो है 12 स्ट्राइकर रेड.
हमारे पास नहीं, तुम्हारी मम्मी के पास तो डेफिनेटली मिल जाएगी। इट्स एन अमेजिंग लिपस्टिक गाइज ऑल्सो, ये ना इस तरीके की बहुत अच्छी सी पैकेजिंग में आती है। यू जस्ट हैव टू डू इट लाइक दिस। आप क्या कर सकते हो, जस्ट टेक अ लिपस्टिक एंड अप्लाई इट लाइक दिस। आई नो इट्स अ रेड लिपस्टिक, यू माइट वंडर कि रेड ब्लश इस तरीके का कौन लगाता है कमलप्रीत, आप क्या दिखा रहे हो, बट डोंट वरी गाइज, एवरी थिंग इज गोना वर्क आउट एंड वी आर अगेन गोइंग टू टेक आर कंसीलर। सो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ इस तरीके से इसके ऊपर हल्की सी कंसीलर की एप्लीकेशन, सो दैट जो हमारा ब्लश का कलर है वो थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू गेट एन अमेजिंग ब्लश शेड। आप ले सकते हो इस तरीके से कोई भी अपना फेवरेट ब्लश ब्रश एंड नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट ब्लेंड दिस आउट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कोई कह सकते कि हमने अपने चीक्स पर रेड कलर की लिपस्टिक एप्लीकेशन करी है। वुड यू टेक अ लुक एट दैट फिनिश गाइज, इट्स लुकिंग सो 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 प्रिटी एंड लिपस्टिक की पिगमेंटेशन भी इतनी ज्यादा इनसेन थी कि इवन आफ्टर अप्लाइंग सच ए हाई कवरेज कंसीलर ऑन इट मेरे को इतनी अमेजिंग पिगमेंटेशन मिली है। एंड आप देख सकते हो खुद मैंने कितनी प्रोडक्ट एप्लीकेशन करी है, स्टिल माई फेस इज लुकिंग सो नेचुरल। एक फेस के ऊपर शाइन जो है ना वो अभी भी इंटैक्ट है। ये हैक तो मुझे पता है आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा होगा। ओके, नेक्स्ट हैक शेयर करने से पहले लेट मी जस्ट मेक श्योर कि जो मैंने इतना क्रीम एप्लीकेशन करा है अपने फेस के ऊपर मैं उसको सेट कर लूं, जिसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये। दिस इज द स्विस ब्यूटी ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट, इट्स बेसिकली अ 2-in-1 कॉम्पैक्ट और मैंने आज तक ऐसा 2-in-1 कॉम्पैक्ट कभी नहीं देखा। मेरा जो इसमें शेड है वो है 01 पर्ल आइवरी। व्हेन यू ओपन इट अप दिस इज हाउ यू गेट अ प्रोटेक्टिव लिड। एक आपको यहाँ पे मिलता है कॉम्पैक्ट एंड व्हेन यू push it upwards there is your second compact. आपको यहाँ पे literally दो compact मिलते हैं। Now you might be wondering कि दो compact क्यों? यहाँ पे जो आपको top compact मिलता है ये आपको देता है matte finish and अगर आपको रात में कहीं party वार्टी में जाना है you want like a shiny look on your face तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही सटल बहुत ही natural sheen वाला compact मिलता है। Sure you are setting your eyes really well. Oh my god, would you take a look at that pigmentation guys? Oh my goodness. इस साइड में और इस साइड में आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है मैंने कंसीलर की एक और लेयर एप्लीकेशन करी है। मेरा तो मुझे जब भी फुल कवरेज मेकअप करना ना दिस इज गोइंग टू बी माय गो टू कॉम्पैक्ट पाउडर। नाउ दिस इज व्हाई आई लव दिस कॉम्पैक्ट सो 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 मच। यू कैन टेक अ लुक एट डिफरेंस इन बोथ द साइड्स, कवरेज डबल हो गई है लिटरली। आई मेकअप करने से पहले अपनी ब्राउज को थोड़ा सा फिल इन कर लेते हैं एंड मैं यहाँ पे जो ब्रश यूज कर रही हूँ वो है स्विस ब्यूटी का ब्रश। दिस इज दी हाईलाइटिंग एंड लैश ब्रश F07, अमेजिंग ब्रश, बहुत अच्छे से आपकी लैशेस को फिल इन कर देता है एंड यू गेट एन अमेजिंग रिजल्ट। नाउ आई नो कट क्रीज लुक्स सो प्रिटी, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगती है। आप चाहे फुल कट क्रीज कर लो, हाफ कट क्रीज कर लो, सेमी कट क्रीज कर लो, बट कट क्रीज जब हम ड्रॉ करने जाते हैं ना हमारा कुछ वियर्ड सा शेप फॉर्म हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो उसके लिए यार बहुत ईजी है, आपको चाहिए कंसीलर और एक आईलैश कर्लर। आईलैश कर्लर तो आपके पास होगा ही होगा। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप एक अमेजिंग और प्रिटी सी कट क्रीज ड्रॉ कर सकते हो। ये जो आपको टॉप दिखता है ना यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है कंसीलर जस्ट लाइक दिस। बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा एप्लीकेशन करनी है। और जब हम इस तरीके से अपनी लैशेस को कर्ल करते हैं तो लैशेस को कर्ल करते करते बस आपको इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे आपकी लैशेस भी कर्ल हो गई और एक बहुत ही प्रिटी सी कट क्रीज भी ड्रॉ हो गई, आप देख रहे हो। Now, अगर आप चाहो तो आप पूरे कंसीलर को इस एरिया में पुट कर सकते हो, वो हो जाएगा आपका फुल कट क्रीज। बट क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट करूं सो आई एम गोइंग टू पुट अ ग्लिटर हियर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैक, देर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब हमें ना ओम्ब्रे लिप्स करने का बहुत मन करता है बिकॉज हम बाहर के सेलिब्रिटीज मेकअप आर्टिस्ट इंडियन मेकअप आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज को देखते हैं, उन्होंने इतना प्रिटी सा ओम्ब्रे लिप कर रखा होता ना। बट जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर तरीके का लिपशेट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रेड लिपस्टिक एप्लीकेशन कर रही हूँ, आई एम लविंग दिस रेड लिप और मैं इसके साथ एक प्रिटी सा ओम्ब्रे लिप करना चाहती हूँ, बट अब जरूरी थोड़ी है कि इससे एक शेड लाइटर या इसके साथ जो एग्जैक्ट ओम्ब्रे का शेड जाएगा वो मेरे पास लिपस्टिक होगा। आप खुद देख सकते हो यार कितना ज्यादा प्रिटी लिप शेड है, बट मेरे को इसको ऑम्ब्रे करने का मन है। अगेन कंसीलर टू द रेस्क्यू, व्हाट यू कैन डू इज टेक अ फेवरेट लिक्विड कंसीलर एंड जस्ट अप्लाई लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अमाउंट, लिटिल बिट तो नहीं मेरे से गलती से ज्यादा ही लग गई है। इस तरीके से आप मिडल पे लगा सकते हो एंड देन जस्ट डैब इट आउट। And there's a beautiful, beautiful ombre lip, and it's going so nicely with the outfit I'm wearing right now. And now to set all of this in, we are again going to go
with the amazing Swiss Beauty mattifying makeup fixer and we are literally done. So ye the mere kuch concealer hacks which I totally love using. Jaise kai bar hum bahar travel karte hain hamare paas sare products nahi hote, kuch kuch products hote hain. So is tarike se we can do so many hacks with a single makeup product. So agar jo maine products yahan pe use kiye hain wo aapko purchase karne hain to uska buying link main niche description mein de dungi. And yeah, that is it for today's video guys. I hope aapko aaj ki video achhi lagi hogi. If you do, please do not forget to give this video a like, share with your friends and subscribe my channel. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.